हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पे आपको बहुत सारी यूनिक और ट्रेडिशनल रेसिपीज मिलने वाली है। और ऐसी रेसिपीज के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी सारी नई रेसिपीज आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल की चकली, जिसे आप 1 से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए ये यूनिक रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 1 बाउल पका हुआ चावल लेना है। ये रात का बचा हुआ चावल है, आप इसकी जगह फ्रेश चावल का भी यूज कर सकते हो। तो अब हम इन चावल को एक ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। अगर आपके घर में बनाया हुआ चावल थोड़ा सा ड्राई हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कीजिए। मैंने लिया हुआ ये चावल एकदम सॉफ्ट है, तो मैं इसमें पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने इस राइस को एकदम सॉफ्ट पेस्ट टाइप ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे बाउल में निकालने के बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून मिर्च की पेस्ट। मिर्च का पेस्ट यूज़ करने से इस चकली की टेस्ट और भी एनहांस होती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते वक्त अगर आपके हाथ को ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा हो तो आपके हाथ को हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, ताकि ये आपके हाथ को चिपके ना। ये देखिए, ये मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे चकली के सांचे में फील करेंगे। फील करने के पहले हमें चकली के सांचे को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि हमने बनाया हुआ मिक्सचर सांचे को चिपके ना। सांचे को फील करने के बाद चलिए अब हम चकली बना लेते हैं। चकली बनाने के लिए हम यहाँ पे एक प्लास्टिक का यूज करने वाले हैं। अब इस प्लास्टिक के ऊपर हम चकली बना लेंगे। आपको छोटी बड़ी जैसी चकली बनानी हो आप बना सकते हो। आप देख सकते हो कितने इजीली ये चकली बन रही है। चावल में स्टिकीनेस होने की वजह से चकली बिल्कुल भी नहीं टूटती है और ये बहुत ही फास्ट बनती है। चकली बनाने के बाद हमें इसे 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखा लेना है। आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, ये इजीली सूख जाती है। 2 से 3 दिन के बाद आप देख सकते हो चकली अच्छे से सूख चुकी है और एक भी चकली बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो चलिए अब हम इसे तल के देखते हैं। हमने ऑलरेडी ऑयल गरम कर लिया है। अब हमने बनाई हुई चकली इस ऑयल में तलेंगे। ये देखिए, चकली ऑलमोस्ट फूल के डबल हो चुकी है। अब हम इस चकली को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह 1 से 2 चकली तल के देखेंगे। ये बचे हुए चावल की चकली बनाना बहुत ही इजी है और इस चकली के वजह से आपके घर का बचा हुआ राइस कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये झटपट बनने वाली और बहुत ही आसान बचे हुए चावल की चकली अब 1 से 2 साल तक स्टोर करने के लिए रेडी। ऐसी झटपट रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।